अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कबीर खान और आप देख रहे हैं व्यू हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। फाइनली हमारा ट्रिप जा रहा है अम्ब्रेला वाटरफॉल। आज विजिटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाटर कैंपस का ट्रिप जा रहा है फाइनल के बाद। आज डेट है जी 1 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा और हम लोग रात का 12 बजे का टाइम है ये, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको डिटेल बताते रहेंगे। इस वक्त क्या टाइम हुआ है? टाइम हो गया है, ने काम छाड़ दो, नेक हो गई है 2:40। कहाँ पे पहुँचने वाले हैं इस टाइम? इसको तलब हो रही बहुत ज्यादा, बहुत कुछ खोया था, नहीं पता। दर्द से चक्कर आ रहे हैं, सारे नाम ले लिए हैं। अच्छा वाला पूरा फूला हुआ था जेब में, पड़ी है अमेरिका जानी है। कौन है तू कह रहे हो आगे क्या होता है? फाइनली यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे है। ये शायद जगह है हवेलियाँ। तो इस वक्त टाइम हुआ है 4 बज चुके हैं और इस्लामाबाद का तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र रह गया। देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसे रहता है हमारा जी। सेकंड स्टे है हमारा, 5:30 हो गए इस वक्त, और ये है चक्री कोई पॉइंट है, और इसके बाद हमारी कोशिश है कि हम सीधा जो हमारा मेन पॉइंट है वहाँ पे हम स्टॉप करें, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अभी मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं प्यारे आसमान बादलों साइड बना है। अब वहाँ पे क्या हालात होते हैं ये तो नहीं पता, बट वेदर ये बता रहा है कि जी वहाँ पे 3 दिन लगातार बारिश है। कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है और आने वाले कल भी बारिश है। देखते हैं आगे क्या होता है जी। अच्छा जी, इस वक्त हम हवेलियाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद जो है मज़ीद आगे तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र है, बट पहाड़ है और पहाड़ पे चढ़ाई करनी है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होता है। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है।
सर भूख लगी है आपको कितनी? क्या हो भूख लगी है? खा लड़के किस वजह से नहीं पता? अच्छा ठीक है भाई। फाइनली हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और यहाँ से आगे तकरीबन 25 किलोमीटर है, बट चढ़ाई है तो चढ़ाई की वजह से जो है टाइम ज़्यादा लग सकता है। जो ड्राइवर बता रहा है कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है, अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। देखते हैं आगे वहाँ पहुँच के क्या क्या डिटेल है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, और हमें जो है वहाँ पर हाइकिंग भी होनी है। देखते हैं कि ये कैसी जगह है। फाइनली हम लोग अम्बरेला वाटरफॉल पहुंच गए हैं। ये थोड़ी सी सेट नहीं है क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और दूसरा जो है सिंगल रोड है और गोल रास्ता है, मतलब कि पहाड़ की तरफ, मतलब कि सीधा रास्ता नहीं है, गोल घूमना पड़ता है, जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी अनसेट हो गई थी। रास्ते में नाश्ता कर लिया था जिसकी वजह से ऐसी तबीयत हुई है। तो अगर आप लोग आना चाहेंगे तो रास्ते में नाश्ता ना ही करें तो बेहतर है,
बाकी व्यू बहुत प्यारा है, आपको देख सकते हैं। मिनट रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। वॉकी डिस्टेंस है सारा और इसमें जो है हाइकिंग है सारी, तो साथ साथ आपको जी दिखाते जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप में से कोई आना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो। अच्छा जी, ये यहाँ पे बकायदे डंडे दिए गए हैं 20 रुपये पर डंडा, कि आप लोग जो है डंडे के बगैर नहीं जा सकते। तो डंडा ले के भी इनका ये हालात है, मम्मी डैडी बच्चे हैं सारे। ये बात हुई ना बेटा, ऐसे ऐसे आना है, ठीक है। तो हमारा जो है इस वक्त जो हाइकिंग है या फिर जो अम्ब्रेला वाटरफॉल का हमारा सफ़र है पैदल जाने का, वो स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा रास्ता है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह का रास्ता मज़ीद ख़तरनाक है या नॉर्मल है। ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है और इसके अलावा व्यू बहुत प्यारा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जी हमने जाना है इस वक्त, नज़र आ जाए शायद, आप शहर की तरफ जाना है। हमने जाना है बिल्कुल नीचे, किधर है उस साइड पे शायद, जो भी है हम लोग जो है वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आधे घंटे का जो है ये वॉक डिस्टेंस है। मेरे साथ है सलमान। सलमान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बहुत मौसम कैसा है? अभी कार पर शायद मौसम नॉर्मल है। और व्यू कैसा है? ऑसम है कि नहीं? ऑसम। हमारा कैमरामैन टिकटॉक और जिसने भी वीडियो बनानी हुई टिकटॉक की प्रमोशन करानी हुई तो ये वीडियो उसका काम करते हैं। शादी पे हमें भी काम करते हैं। आज ही आए यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। कैसा लगा आपका यहाँ का व्यू? सर व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन आते हुए हाथ में आगे दी बस जोड़ दो। ये जी हमारा चीमा साहब, बहुत जो है टैलेंटेड बंदा है, हर बार 2 सप्ले आते हैं इसकी। कैसा लगा आपको यहाँ पे आते? अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी पहुंच के बहुत मजा आ रहा है, लेकिन व्यू कैसा है? व्यू माइंड ब्लोइंग। बस आने में थोड़ा सा मसला, आने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लिहाजा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिंगल लोग वही आए, कपल लोग ना आए, नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत मजा करेंगे, आप आए जरूर। तो हम नीचे जाते हैं, देखते हैं किस तरह का रास्ता है, तो मिलते हैं। और आगे कहाँ तक जाएगा अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया इस चीज का। तो बहुत अच्छा मौसम है और व्यू भी बहुत कमाल का है। तो बेटा जाते जाओ, रुकना नहीं है। अच्छा जी, एक रास्ता ये है और एक ये शॉर्टकट है। सर यहाँ से रहने दें, हम जाएंगे यहाँ से, उधर से बाकी सब जा रहे हैं फीमेल उस साइड से। तो ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक लगता है, स्लिपिंग है, अगर थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो ब्रेक नहीं लगनी। आप भी तो से जा रहे हैं, मैं अकेले तो से जाऊंगा। ओके सर आ जाओ। ओके नहीं आप जाओ, डर की जीत है, डर के मैं 7 अप पी रहा हूं, डर का की जीत है, बल्कि वो ड्यू में नहीं होता। ओके चलो देखते हैं क्या होता है। जाओ जाओ मैं आ रहा हूं। रास्ता काफी खतरनाक है बट कोई नहीं, चलते हैं सब। ये देखें सारे स्टूडेंट आगे जा रहे हैं, टीम बनी हुई है, एक टीम आगे जा रही है स्टाफ में से, एक टीम जो है वो मिड में है और मैं लास्ट में हूँ। मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ जिसकी वजह से रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है, मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी।
अच्छा कोशिश करनी है कि सांस जो है वो नाक से लेनी है। मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जो है हवा पड़ती है जिसकी वजह से हमें सांस चढ़ जाती है। ब्रदर कितना डिस्टेंस है यहाँ से? कितना टाइम मार के जाओ पहुँच जाओगे टाइम से? कितने हिम्मत मार के? हाँ। ओके हम लोग पैसे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। ओके बहुत प्यारा व्यू है। चलें जी ज़बरदस्त हो गया। जो आ रहे हैं अभी तो फिर भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा इतना फोर्स नहीं लग रहा, बट जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और हालत बहुत बुरी हो जाएगी हमारी। कामरान मज़ा आ रहा है? अभी हम नीचे जा रहे हैं, जब ऊपर आएंगे तब पता चलेगा। एक्सपीरियंस सोच रहा पहले मुझे पता है क्या होना। मैं मेरी बोतल किसे गई एली ओके नहीं मेरी डर क्या की जीता है स्टिंग हाँ एनर्जी। हमने जाना है वो बिल्कुल नीचे, शायद आपको नजर आए बेटा भी बहुत ज़्यादा है। ये हमने जाना है आबशार पे, एक बहुत कमाल के व्यू है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि हमारी मेहनत और इतना टाइम जो हम लगा के आए हैं यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा। जहाँ तक व्यू की बात है ऑसम कमाल खूबसूरती, ये भी पाकिस्तान है। ये फाइनली काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र मैं तय करके आ गया हूँ। स्टूडेंट अभी पीछे हैं, देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी आगे जा चुके हैं, नज़र नहीं आ रहा। ये आबशार हैं, उन्हें यहाँ पे जाना है। जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिटेल बताएंगे। एक आबशार वहाँ पे आ रही है, शायद आपको नज़र आ रही है कैमरे में नहीं। अच्छा नीचे तो बार बार मैं कह रहा हूँ उतर रहे हैं क्योंकि फोर्स इतनी लग रही, बट नीचे काफ़ी जगह है और वापसी में पता चलेगा कि क्या हालात होते हैं। आ जाए बेटा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। जी बेटा आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत मुश्किल। तो वापसी पता चलेगा बेटा, जाओ जाओ जाओ, जाओ। आ जाए जी आ जाए। क्या कहने हैं आपके बेटा? प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, आमना नीव के नाम से है। जी सर क्या कहने हैं आपके? आवाज ही निकल रही सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस वाले मैंने पे लगिया हुआ है। ओके ओके जी आयशा बेटा। हाय सर क्या हालात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। मुजम्मिल साहब मजा आ रहा है? वकास साहब दिख रहा है, दिख रहा है। ये आबशार है, एक ये आबशार आ रही है और एक इस साइड से आ रही है। मेन जो है वो इस साइड से है, वो जब नीचे जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगा। व्यू कमाल, मज़ेदार व्यू आ रहा कमाल, आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में मौजूद है और हम लोगों को पता नहीं। तमाम कैंपस स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि एक मरतबा कम अज़ कम अपने स्टूडेंट को यहाँ का विजिट लाजमी करवाइएगा। फाइनली जी हम करीब पहुँच चुके हैं। एक ये रास्ता है शॉर्टकट जो कि थोड़ा सा ख़तरनाक है, एक ये रास्ता है जो कि सेफ है किस्म का। ये अम्ब्रेला वाटरफॉल है, जब हम इसके पास जाएंगे तो आपको व्यू क्लियर हो जाएगा। एक इस साइड से कोई जो है वो आ रही है, तो व्यू का तो मैं कहता हूँ कि कमाल कमाल आउटस्टैंडिंग। फीमेल काइंडली इस साइड से जाएं और जो मेरी तरह हैं वो इधर से आए। मैं कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं इस रास्ते से जाऊंगा जो कि बिल्कुल शॉर्टकट है और मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। ये दूसरा रास्ता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है और उसका जो व्यू है इस वक्त इस साइड पे कहीं पे है, तो ऐसे राउंड लगा के नीचे जाएंगे। तो मैं अकेला हूँ इस साइड से, बाकी देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। ब्रदर नीचे जाना आसान था, ऊपर आना नीचे जाना यार, ये तो आपको वापसी पता चलेगा। यही सीन है ना भाई? हाँ जी
अंदाजा आ जाएगा। नहीं वापस नहीं जाना, लाहौर से वापस जाने के लिए आया हूँ। यस, ये जगह जो है काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे मौजूद है, बट पिछले 4 से 5 सालों के दौरान जो है ये जगह मशहूर हुई है, पब्लिकली जो है लोग यहाँ पे आना शुरू हुए हैं, लोगों ने इसको पसंद करना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से ये यहाँ पे डेली बेसिस पे अलग अलग सिटीज़ से जो है वो ट्रिप्स आते हैं। हम लोग लाहौर से आए हैं, इस तरह बहुत सारे लोग, नीचे काफ़ी रश है और काफ़ी दूर से लोग जो है यहाँ पे ये अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है वो देखने आए। तो व्यू को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्यू कमाल है, आउटस्टैंडिंग है। फाइनली जी मैं जो हूँ पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट करीब हूँ नीचे, और मेरे स्टूडेंट जो हैं उस रास्ते का मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया ना मुझे नज़र आ रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, टेम्परेचर डाउन है, नहाने का मौसम है, धूप निकली हुई है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, निकट वगैरह पहनी हुई है, ऊपर चेंजिंग रूम है, आप आके यहाँ पे ऊपर चेंज करके कपड़े वगैरह ऊपर रखवा सकते हैं और वापसी पे जो है आप अपने कपड़े दोबारा चेंज करके बस में अपनी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ आपको, ताकि अगर कोई आना चाहे उसके लिए आसानी हो। वो मेरे स्टूडेंट भी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, एक तरह से मुझसे आगे ही पहुँचे हैं जी। फाइनली जी मैं पहुँच चुका हूँ और ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल, जो कि कुदरती तौर पे पानी आ रहा है, और यहाँ पे नीचे जब मैं जाऊँगा आपको फुल व्यू नज़र आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वापसी का सोच के लोग यहाँ से जल्दी जा रहे हैं, बाकी हम भी नीचे जाते हैं देखते हैं क्या क्या हालात हैं। और मैं अकेला हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दूसरे रास्ते से आए थे, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ शॉर्टकट मार के। ये रस्सी है, शॉर्टकट के चक्कर में जो है मैं काम खराब हो गया, ये स्लिप भी हो सकता हूँ यहाँ से, इस रस्सी को पकड़ के जो है आगे जाना है। ये जी व्यू है अम्ब्रेला वाटरफॉल का, अब हम इससे नीचे जाते हैं देखते हैं क्या होता है इसके साथ। जी मैं नीचे आ चुका हूँ, और अगर कोई मेरा मशवरा मान के शॉर्टकट के चक्कर में आए तो ना आना, ये जो जगह है काफ़ी ख़तरनाक है, बहुत मुश्किल से यहाँ से मैं उतरा हूँ। और ये अम्ब्रेला वाटरफॉल है जी, इसको हम स्पेशल देखने लाहौर से आए हैं, एक वो है एक ये है मेन, इसको कहते हैं। इसके अलावा लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, मेल फीमेल सब आए हैं यहाँ पे। मैं अब अपने स्टूडेंट के पास जाऊँगा और उनके पास देखूँगा उनके क्या हालात हैं। ठंडा यह पानी, स्लिप हो रहा है पाँव मेरे, मुझे यहाँ से उस साइड पर जाना चाहिए, जूतों के बगैर इसमें स्लिप हो रहा हूँ और जूते पहन नहीं सकते शूज की वजह से। मैं ले जा वो मेरे स्टूडेंट हैं और मैं काफ़ी बुरी तरह फंस चुका हूँ। हाय हाय अभी हमारे पहुंच रहे हैं आप तो। हेलो बच्चों, जगह कोई नहीं है, मैं उधर से हो आया हूँ अम्ब्रेला वाटरफॉल से। तो ये जाना बनता है बट जूतों के साथ जो है नहीं जाया जाएगा, जूतों के बगैर पाँव में दर्द होगा। ठीक है, फाइनली सारे आ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके आगे जाएंगे हम।
फाइनली यहाँ पे हमारा टूर जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट बहुत थक चुके हैं और किसी में भी हिम्मत नहीं इस वक्त मज़ीद जो है यहाँ पे आउटिंग करने की। इस वक्त टाइम हुआ है, टाइम जी हुआ है 3 बजने वाले हैं और अब हम वापसी जो है बस की तरफ जाएंगे। 1 घंटा तो लग जाना है, उनके स्लो स्लो चलना है, फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी क्योंकि पहले हम नीचे आ रहे थे और अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है जी, जो भी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जो बातें बताई गई हैं आपके फ़ायदे के लिए बताई गई हैं, जो का लाजमी पहन के आइएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा चप्पल पहन के आइएगा क्योंकि नीचे आप शूज़ में जो है पानी में नहीं जा सकते और बग़ैर शूज़ के जो हैं वो आप पानी में आपके जो कंकरियाँ हैं उससे आपको तकलीफ़ होगी पानी में, लिहाजा एक एक्स्ट्रा जूता लाजमी ले कर आइएगा। बाकी अब हम ऊपर चढ़ाई करेंगे, मैं पीछे हूँ क्योंकि बैक से जो है स्टूडेंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, एक टीम आगे एक दरमियान में और लास्ट पे मैं हूँ। तो अब हमने जाना है जी वापस टॉप पे, ठीक है जी, देखते हैं अब क्या होता है। अभी सिर्फ हाफ से भी कम रास्ता तय किया है और हालात ख़राब है, हमने जाना है वो टॉप पे और अभी जस्ट आधे से भी जो है आप ये समझ लें कि 100 में से 10% जो रास्ता है वो तय किया। स्टूडेंट का बुरा हाल है, देख सकते हैं क्या हालात हैं। से ज़्यादा रास्ता जो है तय कर लिया और अभी पता नहीं कितना रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी रात भी पड़ी है, बच्चे भी आए, फैमिलीज भी आई यहाँ पे और रास्ता बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फिसला। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या कहते हैं इस बारे में। अली क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा आना चाहूँगा। बाकी एक एक चक्कर लगाएं, बाकी आ जाए, ये जज्बा होना चाहिए, क्या ख्याल है? यस सर ऐसे ही है। दूसरों को क्या मशवरा दोगे? सर दूसरों को भी यही मशवरा दूंगा कि थोड़ा खाया पिया करें, सिर्फ मोटे होने से नहीं कुछ होता, स्टैमिना होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर क्या बताएंगे? क्या एहतियाती तदाबीर? के अकेला बंदा ना है यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम 2 बंदे हों ताकि एक दूसरे को ना सहारा मिल सके। और नीचे पानी के क्या हालात थे? ठंडा? नीचे पानी के हालात ठंडा तो था, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब वापसी पे सारे लुढ़क गए? सारे लुढ़क जाएंगे, बस किसी ने उसको आने में पड़े होना है, कुछ किसी ने उसको आने में। अब जी नेक्स्ट कौन आता है हमारे पास? हाँ भाई हीरो, क्या कैसा एक्सपीरियंस था? मज़ा आया? मज़ा आया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा स्टेमिना के बारे में क्या कहोगे जी, इतना हम चल के आए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मजाक है, मजाक मेले में मजाक है, किसी को मशवरा दे जाने का, एंजॉय करें। हाँ ब्रदर क्या हालात हैं आपकी? ठीक ठाक ही, आपके सामने ही है। पसीना है या ये जो नहाए वो पानी? नहाए भी है, पसीना भी है, पसीने मेहनत है ऊपर आने की। एहतियाती तदाबीर क्या बताओगे दूसरों को? एहतियाती तदाबीर यही है कि आए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर दिमाग से ही आनी है। कपड़ों के लिहाज से, जूतों के लिहाज से? इस मौसम में आना है तो नॉर्मल कोई वो नहीं है, जूते हाँ जोगर शूज पहने कि हाँ भाई ऊपर नीचे जाना है। चलो जी थैंक यू, अब हम बाकी सब का मेरे से कोई
अस्सलाम वालेकुम सर। कौन गए? बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं सर। थैंक यू। मज़ा आया? बहुत मज़ा। जाते हुए मज़ा आया, ऊपर आते हुए मज़ा आया? नहीं, ऊपर आते हुए ज़्यादा मज़ा आया। ज़्यादा मज़ा आया ऊपर आते हुए। अब खाने का क्या प्लान है? कितने को रोटी खा लो? इंशाल्लाह टका के 5-10 तो खाना हम खाएंगे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़बरदस्त खाना खाएंगे। ओके सर। और कौन रहते जी? ग्रेट भट साहब। भट साहब क्या कहेंगे? दोबारा फिर आएंगे। दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। दूसरों को मशवरा देंगे? ऑन ऑन। जी बच्चों, बच्चों क्या हालात हैं आपके? दोबारा आओगे? किसी को आने का मशवरा दोगे? जिंदाबाद। दोबारा किसी को आने का मशवरा देंगे? किसी को मशवरा देंगे आने का? वैसे तेरी आवाज़ ही निकल रही। मेरे साथ तो अभी नीचे एक मतलब दोबारा चलें। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे इस्लामाबाद फूड सीट खाना वगैरह खाने। सिग्नल आ रहे हैं और कुछ देर वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे वापसी लाहौर के लिए। देखते हैं जी आगे क्या होता है हमारे साथ। अभी तक का सफर ट्रिप पर अल्लाह से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए।